अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वेज कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये कितने क्रिस्पी बने हैं आप सुन भी सकते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। ये 3 कप के लगभग मैंने सोयाबीन लिए हैं। सोयाबीन को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सोयाबीन को हम सबसे पहले वॉश करेंगे। सोयाबीन को मैंने वॉश कर लिया है 3-4 पानी से। अब ये हमारे सोयाबीन अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। सोयाबीन को हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे मैंने बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि ये आसानी से भीग सके। गर्म पानी में हम इसे भिगा कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, और अगर आप ठंडे पानी में रखना चाहें तो आधे घंटे के लिए रख सकते हैं सोख होने के लिए। पानी मैंने आधा लीटर के लगभग लिया था। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, और इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये 3 बड़े साइज़ के उबले हुए मैंने आलू लिए हैं। आलू भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। तो घिसे हुए आलूओं को हम करते हैं साइड में, और अब चलते हैं देख लेते हैं अपने सोयाबीन को। इसे मैंने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा कर रखा था। इसका सारा पानी मैंने हाथों से निचोड़ कर निकाल दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, उसका क्लिप मैंने नहीं शूट कर पाया है। और यह मैंने लिया है एक मिक्सी जार। जार में हम ऐड करेंगे सोयाबीन को। फ्रेंड्स, सोयाबीन में कुछ भी पानी नहीं होने चाहिए, ये एकदम ड्राई होनी चाहिए। सारे पानी हाथों से निचोड़ कर ज़रूर निकाल दीजिएगा। इसमें थोड़े भी पानी रहेंगे तो हमारे कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अब हम जार का ढक्कन लगाकर इसको दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से हम सोयाबीन को दरदरा पीस लेंगे। सारे सोयाबीन को हम इसी तरह से पीस कर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे सोयाबीन को मैंने इस तरह से पीस लिया है, इतने ही सूखा हमें पीसना था। अब इसमें हमारा जाएगा घिसा हुआ आलू, जो मैंने कद्दूकस करके रखा था। तो आलूओं को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची। तीनों को मैंने खलबत्ते में पहले से चॉप कर लिया है। इस तरह से आप लहसुन, अदरक, मिर्ची को चॉप करके ऐड करेंगे तो कबाबों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लहसुन, अदरक और मिर्ची को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे थोड़े से हल्दी पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच हम ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाले से कबाबों का टेस्ट बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा तीखा करने के लिए मैंने 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच भरकर मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और 1 मुट्ठी भरकर मैंने धनिया की पत्ती ऐड किए हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, और जब तक ये रेस्ट पर रहेगा तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें जाएगा हमारा आधा कप मैदा। मैदा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा मैदा बचा लिया है। इसमें हम थोड़े से नमक ऐड करेंगे मैदे के हिसाब से। थोड़े से मैंने मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। नमक मिर्ची को मैंने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 1 कप पानी मैंने मैदे में ऐड कर दिए हैं। इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, और इसका हम एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। अभी इसमें पानी कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े से पानी और ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह से हमें इसकी स्लरी चाहिए। और हम यहाँ पर लेंगे 1 सेवैये की पैकेट। पैकेट को मैंने कट कर लिया है। सेवैयों को हम इस तरह से पैकेट में तोड़ लेंगे। इस तरह तोड़ने से हमारे सेवैयाँ इधर उधर बिखरेंगे नहीं। सेवैयों को हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो थोड़े बड़े बड़े सेवैयाँ हैं उसे हम हाथों से तोड़ लेंगे। तो सेवैयों को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। सेवैयों को मैंने तोड़ लिया है, और इधर हमारे स्लरी भी तैयार हैं। तो स्लरी और सेवैयाँ हमारे तैयार हैं। अब चलते हैं कबाब बना लेते हैं। इसे रेस्ट पर रखते हुए 6 से 7 मिनट तक हो चुके हैं।
इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसका हम कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने कटलेट बना लिया है। आप चाहें तो एक शेप का भी कटलेट बना सकते हैं या सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं। तो ये दूसरा कबाब भी मैंने बना लिया है। तो सारे कबाब मैंने इस तरह से बना लिए हैं। आधे मिक्स का मैंने कटलेट का शेप दिया है और आधे का एग शेप का दिया है। दो शेप्स के कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। कबाबों को करेंगे साइड में। स्लरी और सेवैयों को हम यहाँ पर रखेंगे। स्लरी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जो कटलेट मैंने बनाकर रखे थे उसको हम मैदे में डीप करेंगे। कटलेट को हम निकाल कर सेवैयों से कोटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटलेट को सेवैयों से कोटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे कबाब को हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। और जो मैंने एक शेप का बनाया था उसको भी मैंने इस तरह से कोटिंग कर लिया है। तो सारे कबाब मैंने बना लिए हैं इस तरह से। थोड़े कबाब मैंने और बनाए हैं, इसे मैंने सेवैयों से कोटिंग नहीं किया है। इस तरह के भी आप सोयाबीन के कबाब बना सकते हैं। और अब हम अपने गैस पर आ चुके हैं। फ्राई पैन को गर्म होने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। 2 कप के लगभग हम ऑयल ऐड करेंगे। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल भी हमारा अच्छे से हीट हो चुका है। अब कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। कटलेट को हम उलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जो कटलेट हमारे थोड़े से गोल्डन हो चुके थे उसको मैंने पलट दिया है। हमारे फ्राई पैन में स्पेस थे तो मैंने दूसरा कटलेट भी ऐड कर दिया है। इस तरह से जो हमारे कटलेट तैयार हो जाएंगे उसको हम निकालते जाएंगे और दूसरा कटलेट हम डालते जाएंगे। इस तरह से हमारे सारे कबाब फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे। जो कटलेट मैंने पहले से ऐड किए थे उसको हम पलट देंगे। बाकी के सारे कबाब हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। जो कोटिंग वाले कबाब थे वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं और ये बिना कोटिंग वाले कबाब हैं। इसे भी हम उलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बिना कोटिंग वाले भी कबाब तैयार हो चुके हैं। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सेवैयाँ वाले कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये बहुत टेस्टी भी हैं। इसे करते हैं साइड में। और ये कबाब जो मैंने बिना कोटिंग वाले बनाए हैं ये भी बहुत ही मज़े के बने हैं। ये भी कबाब बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कबाब कितने रेशेदार बने हैं। देखने में जितने अच्छे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। ये कबाब इतने मज़े के बने हैं आप पता भी नहीं पाएंगे वेज है या नॉन वेज। तो फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमारे तरीके से सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये सोयाबीन के कबाब और कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।